चैप्टर 1 रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे, दोनों ही अपने कार्य में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंद को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, दूसरा अपने पीछे कर्जा छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं यह तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाह पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनता तथा परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे, उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजरा जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बात के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता था। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बुढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। चूंकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादा तो लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना सिखा सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चे को अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा था, बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है, वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं,
सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, और मजे की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी के आने वाले समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सा ही मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिक्योर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाए, जिनमें से ज़्यादातर गरीब ही है या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक बात खत्म हो जाती है और दूसरा में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही ले। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता हूँ। यह जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की यह सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं, और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी सिखाते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे दूसरे डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरा का सामना करो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिरी में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय
जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारी को दी जा रही सुविधा की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी के से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कह करते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता से के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि किस इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचार का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दीक्षा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोगों ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे हैं। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा न होने में फर्क होता है। पैसा पास में न हो न अस्थाई होता है, जबकि गरीब स्थाई है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई से कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशावर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं, एक MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है, यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बात पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि थे। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, परंतु हर रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ। द रोड नॉट टेकन वह रहा है जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 रातें बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं अकेले पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है, झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी,
क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरते थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूंगा, आज से सदियां बाद शायद एक जंगल में दो राह बटती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1916 और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसी की बात सुननी है तो उसके बाद मेरे धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब सीख चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण से मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे, और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह उस पुस्तक उन्हीं पाठ 6 पाठों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया है था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। धन्यवाद।